to Superstar Singer 3. आज हमारे साथ है सबके फेवरेट प्यारे लाल जी एंड सुनीला मैम. सर एंड मैम, वी लव यू. ओवर टू यू हर्ष भैया. थैंक यू मैम्स, थैंक यू. दोस्तों 1971 की तीन सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्में हाथी मेरे साथी, मेरा गांव मेरा देश और दुश्मन. तीनों के म्यूजिक डायरेक्टर्स लक्ष्मीकांत प्यारेलाल. 1973 की तीन में से दो सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्में बॉबी और दाग, म्यूजिक डायरेक्टर्स लक्ष्मीकांत प्यारेलाल. 1974 की तीन में से दो सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्में रोटी कपड़ा और मकान और दोस्त, म्यूजिक डायरेक्टर्स लक्ष्मीकांत प्यारेलाल. 1976 की तीन में से दो सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्में दस नंबरी और नागिन, म्यूजिक डायरेक्टर्स लक्ष्मीकांत प्यारेलाल. 1977 में तीन में से दो सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्में अमर अकबर एंथोनी और धर्मवीर, म्यूजिक डायरेक्टर्स लक्ष्मीकांत प्यारेलाल. 1979 की तीन सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्में सुहाग, जानी दुश्मन और सरगम, तीनों के म्यूजिक डायरेक्टर्स लक्ष्मीकांत प्यारेलाल. 1981 की तीन सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्में क्रांति, नसीब और मेरी आवाज सुनो, तीनों के म्यूजिक डायरेक्टर्स लक्ष्मीकांत प्यारेलाल. 1986 की तीन सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्में कर्मा, नगीना और आखिरी रास्ता, तीनों के म्यूजिक डायरेक्टर्स लक्ष्मीकांत प्यारेलाल. 1987 तीन की तीन सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्में मिस्टर इंडिया, हुकूमत और वतन के रखवाले, तीनों के म्यूजिक डायरेक्टर्स लक्ष्मीकांत प्यारेलाल. 1983 की सबसे बड़ी फिल्म कूली, 1988 की सबसे बड़ी फिल्म तेजा, 1980 की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म आशा, 1989 की दूसरी बड़ी फिल्म रामलखन, 1991 की दूसरी बड़ी फिल्म हम, 1992 की दूसरी बड़ी फिल्म खुदा गवाह, 1993 की दूसरी बड़ी फिल्म खलनायक, सबके म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल. आप इंसान हो या साक्षात संगीत की धरोहर, एक इंसान बोलते बोलते थक जाता है लेकिन आप हिस्ट्री बनाते बनाते नहीं थके. ये जो बच्चे हैं इनके परदादा दादा आपके गाने सुनते थे और आज ये बच्चे आपके गाने आपको सुना रहे हैं, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती. ये संगीत की ताकत है. बच्चों इनको पाए लागू करने से जो आशीर्वाद लागू होता है ना, वो सिंगर को सुपरस्टार सिंगर बना के ही दम लेता है. संगीत की सच्ची धरोहर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को सुपरस्टार सिंगर के प्रणाम. हम तो धन्य हो गए आपको देखकर, आपके चरण हमारे सेट पर आ गए, धन्य हो गए. लेकिन आपको कैसा लग रहा है हमारे सेट पर आकर? आपको पसंद आता है सर हमारा शो? ये शो हमारा है. आपको मैं पूछूंगा ये शो आपको पसंद है कि नहीं. जितने भी हमारे बच्चे हैं सब इतने अच्छे बात करते हैं और समझदारी की बात करते हैं और संगीत के अंदर क्या बात है. बहुत तारीफ करो तो अजीब लगता है लेकिन ग्रेट, दे आर ग्रेट ऑल. इनके लिए ताली बजाइए हमारे दोस्त. आज आप दोनों के कदम पड़ गए. आज से संगीत की असली धरोहर की स्थापना हुई हमारे सेट पर. चलिए शुरू करते हैं पहली परफॉर्मेंस से. Oh,
कुछ गिरा बनाएंगे नहीं बना चुके हो। जोरदार तालियां हो जाए, क्या बात है, कमाल से कमाल है। क्या दोनों बच्चों ने इतने दिल से और अच्छे से गाया, बहुत खूब, किस ढंग से इन्होंने बोलों को और सुर को मिला के गाया, बहुत अच्छा। और दोनों अपनी जगह वैसे टॉप है, दोनों अपनी जगह है। एक दफा और गाओ जाए, खर 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 मुखड़ा पिछले दम, पहले आप गाइए। हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे, क्या बात है। अब देखिए इसी कमाल क्या है कि बोलों को सही ढंग से गाना, अब बेचारे वो जानते कि नहीं मालूम नहीं, इतना अच्छा गाया उन्होंने, बहुत अच्छा। हाँ निशान जी, 1 2 3 4। हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे, मैं देख के क्यों गया, इसको हिंदी नहीं आती। हाँ जी मैं। फिर भी एक एक शब्द को इतना फील करके गाती है ये। आज भी देखें आपके सामने एकदम ऐसा गा रहे हैं, मतलब हमारी हिम्मत नहीं है, लेकिन ये ऐसा गा रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है, बेबाक एकदम अलग अंदाज से गा रहे हैं। नहीं नहीं बहुत ही अच्छा गाया, और आपने भी हमारे साथ में गाया पहले। थैंक यू सर, आप लोग ग्रेट हैं, आप लोगों ने प्यार दिया, आप लोगों ने तो ये गा रहे हैं, और दोनों ने इतना अच्छा गाया है कि मैं तारीफ नहीं कर सकता हूँ, उतना अच्छा गाया, सच्ची दिल से बोल रहा हूँ। ये पहली परफॉर्मेंस हुई है सर मैम के सामने, और आपने भूकंप मचा दिया। दस 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 यानी कि 40। लेके जाके तू बेचता तो नहीं है ना? ये तुम पे नहीं है, मेरा है। ये तुम्हारा है? हाँ। ठीक है लेके जाओ। ये बच्चों से तो मैं बहुत ज्यादा ही दूर रहता हूँ सच में।
वैसे ये इतना शरारती है कि हम सबको बहुत परेशान करता है, और अब तो इनकी जोड़ी थी, क्या आपको परेशान हाँ, किया? स्टेज में इनसन मत बने निशांत, तू निशांत बहुत नोटी हो, मस्ती कर। एक नहीं बेटा, सबटाइटल ऑन करो, सबटाइटल ऑन करो। अभी बोलो नेहा मैम। हाँ? उधर देखो। ओके। रात को प्रैंक वाला नॉक नॉक कर दिए तो पहले ऐसा कर दे तू वैष्णवी मेरे साथ नहीं आई तो मेरे स्पॉट ही मर जाऊं। राजदीप का पापा को बोल रहा है ये ऐसे ऐसे वो स्नेक को वो चल रहे बोल रहे। वो रूम पे आ गया, वो मेरा रूम पे आ गया, वो देखो ना यूरे बाप रे, वो राजदीप को पापा को बोल। असल में ये बोलना चाह रहा था कि मैं राजदीप के पापा को बुलाने गया था। हाँ। तो मैंने उनको बोला कि हमारे रूम में छिपकली आ गया, वो उसको स्नेक बोल रहा है। हाँ। तो फिर मैंने उसके पापा को बुलाया तो वही वो बोलना चाह रहा था कि उसके पापा डर गए। क्या बात है, गोलमाल 6 जब बनेगी ना तो तुषार कपूर वाला रोल सिर्फ तुम्हें मिलेगा। चलिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए टीम दानिश के लिए। दोस्तों लोग घर पे आए मेहमान को 6 पानी पूरी के साथ 1 सूखी पूरी खिलाते हैं, पर अगला भूकंप उनके मुंह में 7 की 7 सूखी पूरी ठूस देता है क्योंकि वो पानी बचाना चाहता है। सारे बच्चे अप्रैल की गर्मी में 2-2 बार नहाते हैं, पर ये जो अपने शहर पीलीभीत से नहाकर निकला था आज तक नहीं नहाया क्योंकि अगली पीढ़ी के लिए पानी बचाना चाहता है। सेव वाटर की वन मैन सेना क्षितिज सक्सेना, और इनके साथ जीती जागती गुड़िया जिनकी बोली में ही है चहक, मिया महक, बोल फ्रॉम टीम साइली। क्वाइट प्लीज, एक मिनट ना, प्लीज क्वाइट, प्लीज क्वाइट। 1 2 3 4 बाया चाहिए, 3 4 Roll, ready sir, 3 2 1 sum. जी
वाह, एक तो गाना इतना प्यारा, ऊपर से ये लोग गा इतना अच्छा रहे हैं, क्या बात है। एक बार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए जोरदार तालियां, क्या बात है। वाह भाई वाह, क्या बात है, आपने बहुत बहुत दिल से अच्छा बहुत गाया। थैंक यू सर। और दोनों ने बहुत खुशी से गाया और गॉड ब्लेस। थैंक यू। ये सिर्फ सरस्वती माँ का आशीर्वाद है। क्या बात है, मुझे तेरी मोहब्बत का। 1 2 गाइए। मुझे मुश्किल गाने इतने इजीली गा लेते हैं बच्चे लोग, कमाल लगता है यार, कमाल। रियली हैट्स ऑफ टू ऑल, ऑल द बेस्ट। आपने पहला नोट लगाया ना स्टार्टिंग का, ओहो मैं तभी से समझ गया मैं कि अभी कुछ कमाल ही होने वाला है। और मियाँ आप जब भी गाते हो आप कमाल ही गाते हो। मियाँ आपकी आवाज़ में एक रहमत है ऊपर वाले की। सुपर जज नेहा, आप अभी तक खोई हुई है इसी परफॉर्मेंस में। थोड़ी अफेक्ट हो जाती हूँ मैं लोगों से जब लोग बोलते हैं कि ये बहुत इमोशनल हो जाती है, रोने लगती है, तो मैं अपने इमोशंस अभी बहुत ही कंट्रोल करने लग गई हूँ। बट सच में ये परफॉर्मेंस ना, इन दोनों ने दिल निकाल के रख दिया, इन्होंने ये ऐसा गा रहे थे ये दोनों बच्चे। थैंक यू मैम। वाह वाह वाह। मैं साइली को देख रही थी और मुझे हो रहा था ये रोना ना शुरू कर दे, क्योंकि ये एक्चुअली आपसे टोटल रिलेट कर पा रही हूं मैम, पर ये लोग गा ही ऐसे रहे, मतलब कैसे कंट्रोल करे कोई। एग्जैक्टली। मैंने आज क्षितिज को सुना, उसकी आवाज जो पहला ही सुर लगा इतना ज्यादा सूदिंग साउंड कर रहा था। आज ये इतना डिफिकल्ट गाना इन दो छोटों से कुछ ही सालों आए हुए इन लोगों को हुआ है, और इन्होंने जो आज गाया है, ये अगर परफॉर्मेंस जो नहीं देखता है ना, मैं बोल रही हूँ उसका लॉस है। मेरे लिए ये मोमेंट ऑफ द सीजन है, प्यारे सर बैठे हैं। आई एम सॉरी, इसमें मैं आपसे वो हूँ। जी जी जी, इसमें लक्ष्मीकांत जी के पूरी, ऑफ कोर्स सर, नहीं नहीं, जो मैं जो सच बोल रहा हूँ। जी जी जी, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, वो जिस ढंग से लक्ष्मी जी ने गाया उसकी याद आती मुझे। मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ हमेशा कि जहाँ लक्ष्मी है वहाँ प्यारे है। ऑलवेज इतने बच्चे देखे, बच्चे कैसे गा रहे हैं, और आप लोगों ने बड़ा साथ दिया सबने, ये बड़प्पन है आप लोग का, आप लोग के लिए मैं क्लब। और गुरु की हमेशा तारीफ करना और दिल में उनके लिए सच्चाई रखना, कभी झूठ नहीं बोलना। जी सर। बस मुझसे झूठ बोलना। ओके। बट कितनी अच्छी बात है सर, कभी भी अपने जो पार्टनर हैं लक्ष्मीकांत सर का नाम कभी भी नहीं भूलते हैं। ये एक अच्छे इंसान की पहचान होती है, ये एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर क्षितिज और मियाँ की ये परफॉर्मेंस किसी ने नहीं देखी तो क्या देखा, क्योंकि इन्होंने भूकंप मचा दिया।
और 10, 10 यानी कि फुल स्कोर 40। क्या बात है। जितने भी मैरिड कपल्स हैं वो सब मुझे लगता है मैम और सर को देखकर इंस्पायर होते होंगे और ऐसे सोचते होंगे कि अगर जिंदगी गुजारी जाए पार्टनर के साथ तो वो कितनी खूबसूरत होती है, वो मैम और सर को देख के पता चलता है। 100%. तो मैं एक्चुअली इतनी टचवुड इतनी खूबसूरत स्टोरी की शुरुआत कैसे हुई वो मैं जानना चाहती हूँ, मैम आप बता सकती हैं? बहुत लंबी बातें हैं। अच्छा, दो लफ्ज में समझ आ गई। जी, नीची निगाहें करके वो सर झुकाए बैठे हैं, नीची निगाहें करके वो सर झुकाए बैठे हैं, वे तो हैं मेरा दिल चुराए बैठे हैं। ये बोल है, ये मुंह से ऐसे बहुत सीधी हैं लेकिन इनकी सिस्टर जो थी ना वो मेरी फ्रेंड थी, तो विजय उनका नाम है। Okay. तो हम दोनों मतलब वहाँ के हमारे कॉलोनी के सब हम लोग पानी पूरी खाने जाते थे, सेव पूरी ऐसे। तब से तब इन्होंने विजया को बोला ये लड़की अच्छी है, इसको पूछे इसको मेरे से शादी करेगी क्या। ये आप तक आज तक बोला नहीं, इन्होंने आज तक नहीं बोला। हाँ, फिर विजया के मुझे बोल रही सुनीला मेरे भाई से शादी करेगी। मैं बोला ऐसे कैसे, अब मेरे मम्मी डैडी से आके मिलो। हाँ, उनसे बात करो, ऐसे थोड़ी होता है। Right. फिर अम्मा बाबा जी आए, बात की, बाद में सब तय हो गया, हो गई शादी। खुद ये चोर है, सबसे बड़े चोर ये है। हमारे घर में ऐसे हैं जी, शादीशुदा जिंदगी अगर सुखी रखनी है तो ऐसे रहना पड़ेगा बीवी के आगे। हाँ। है ना, सही है, मैं भी ऐसे ही रहता हूँ। घर की लक्ष्मी के आगे झुककर रहो तो आपकी तरक्की पक्की है। बिल्कुल, ये बड़े बूढ़े कह के गए हैं। सही बात है, सच है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच, एक बार जोरदार तालियां हो जाए टीम साइली के लिए। नेहा, क्या आप बता सकती हैं कि किशोर दा ने कितनी फीमेल सिंगर्स के साथ ड्यूएट गाए हैं? लाइक 10, 20, 30, 40, 50। एक्चुअली उन्होंने 76 फीमेल सिंगर्स के साथ ड्यूएट गाए हैं। जिसमें आशा जी के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड है 687 ड्यूएट्स। ये देखिए एलईडी पर उनकी फीमेल को सिंगर्स की लिस्ट। ओह माय गॉड। दिल लगने की हवा थोड़ा सा धुआं। किशोर दा की आवाज इतनी यंग थी कि जिस भी एरा में वो गाते थे उस एरा की यंगेस्ट वॉइस उनके साथ मैच कर जाती थी। प्यार में बदल गई। इनमें से नाराज होना है जिसका धर्मायन कर्मा, प्लीज वेलकम पीयूष शर्मा, और वो जो इतना छोटा है कि चलते ऑटो के नीचे से खड़े खड़े गुजर जाता है और उसे कुछ नहीं होता, छोटा वीर उर्फ अविर्भाव। एक्साइटेड हूँ, लेकिन ना परफॉर्मेंस से पहले मेरी ना एक्चुअली एक शर्त लगी है मम्मा से, मेरी मम्मा से। अच्छा, तो मम्मा ये मेरे को बोल रही है कि ये अविर्भाव को आप इतना बोलते रहते हो कि बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। मतलब जैसा ये गाता है उससे लगता है नहीं है कि इतना छोटा तो नहीं हो सकता ये। सही, मतलब टीवी पे थोड़े और पता है क्या, टीवी पे थोड़े बड़े दिख रहे हैं ये बच्चे, और दिखते हैं यूजुअली। मतलब मैं भी बड़ी दिखती हूँ जब सामने से मिलते, अच्छा आप तो इतने छोटे से क्यूट से। एनीवे, तो मम्मा से मेरी शर्त लगी, मैंने बोला कि वो जो शॉपिंग बैग होता है ना जिसमें सब्जी वगैरह लेने जाते हैं, अगर उसमें इसको डाल के दिखाओगे तो ये पूरा आ जाएगा। तो मैं लेके आई हूँ, जरा आप प्लीज ये मेरी मम्मा को रॉन्ग प्रूव करना है मुझे। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी सब्जियां इसमें आती है। तू कितने बरस का, तू कितने
सकी, मैं 16 बरस की, तुम्हें 17 बरस का, 16 साल के बच्चे ऐसा गाते हैं क्या कहीं? हाँ। कहाँ गाते हैं? सुपर स्टार सिंगर में। ओके ओके ओके। क्लियर। सर दो इतने सुपर हिट, इतने बड़े गाने, इतने छोटे छोटे बच्चे गा रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? अरे कमाल है, क्या बात है, इतना क्या मूड से गाने का, कमाल है। गॉड गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। थैंक यू। बच्चे लोग इनके कौन है यार, ये क्या गा रहे हैं यार? बड़े सिंगर्स भी इतना अच्छा नहीं गाएंगे, इतना अच्छा गाया है इन्होंने। कम ऑन कम ऑन। अच्छा हर्ष, हम लोग एक्चुअली साईं बाबा के बड़े भक्त हैं। अरे वाह। और मैं ये सोच रही थी पीयू के से उससे साईं बाबा का कोई भजन सुन सके तो बहुत अच्छा होता। और पूछ पूछ आपका हो जाएगा? अरे जरूर जरूर। अरे वाह क्या बात है, ओम साईं राम। चलो इसमें रिकॉर्ड कर दो। हाँ मेरे को क्या बात है, इससे बड़ी बात कभी हो नहीं सकती। जिनको पूरे वर्ल्ड ने रिकॉर्ड कर करके सुना है वो आपको रिकॉर्ड करके सुनना चाहते हैं। पीयू कितनी बड़ी बात है, क्या बात, क्या है? बात है यार। साईनाथ
सभी साथ में बोलेंगे ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। अच्छा इधर आओ, चलो दोनों इधर आओ। अविर्भव और पीयू ने भूखा मचा दिया। फुल हाउस, क्या बात है। चलिए बुलाते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट को, अथर्व बख्शी फ्रॉम टीम पवन, और उनके साथ उन्हीं के कैप्टन यूथ सेंसेशन पवनदीप राजन। सर ये कुछ कहना चाहता है आपसे। प्यारे लाल जी, आप मेरे एक टाइप ऑफ गुरु ही हैं, क्योंकि मैंने आपको बहुत फॉलो किया है। और मैं सच बताऊँ तो मेरा जो म्यूज़िक नोटबुक है उसमें जो पहले दो पेजेस है उसमें आपका, फिर लक्ष्मीकांत जी का, लता मंगेशकर जी का, मोहम्मद रफ़ी जी का, आप चारों का फ़ोटो लगा हुआ है। क्योंकि मेरा जो सुबह का रियाज होता है मैं आप लोगों के ही फोटो को नमन करके फिर अपना रियाज चालू करता हूँ। वाह वाह, अगर डायरी यहाँ पर है तो हमको दिखा दो, हम भी देखेंगे और सर और मैम भी देख लेंगे। ये फोटो तुम्हारे है? हाँ, आप है और लक्ष्मीकांत जी है, लता मंगेशकर जी, मोहम्मद रफ़ी जी और किशोर कुमार जी। वाह 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 वाह। अब हमसे इंतजार ना करवाओ, प्लीज एक प्यारी सी परफॉर्मेंस दे दो।
जाने दा हम क्या करें ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं हम क्या करें मोहब्बत कर तो ले लेकिन मोहब्बत रास आए भी मोहब्बत कर तो ले लेकिन मोहब्बत रास आए भी दिलों को बोझ लगते हैं कभी जुल्फों के साए भी हजारों गम हैं इस दुनिया में अपने भी पराए भी बाजू में बैठा था, ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मैं आपके बाजू में बैठ पाया और हर लाइन पर सर की वाह निकल रही थी, हर लाइन पर सर ने कहा मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, क्या गा रहे हैं, क्या बात है, अच्छी बहुत ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच सर, क्या कहना चाहेंगे, बहुत बहुत, मैं कुछ बोल कह नहीं सकता, वाह वाह वाह, गॉड ब्लेस, क्या गाया, थैंक यू सो मच और आप यहां क्या बात है, आशीर्वाद अथर्व पर वाले ने हमें एक जिंदगी दी है बस, वरना आज दिल निकाल के तेरे को दे देता अपना मैं। आई लव यू छोटे यार। कैप्टन अरुणिता, ये गाना हम सभी लोग कोशिश करते हैं शोज में गाने की, जितनी बार गाते हैं हम दिल से इतनी खुश होते हैं कि कैसे कैसे गाने हमें गाने का मौका मिल रहा है। एक बात मेरे खास बोलना है, जब टेक हो रहा था तो दो तीन टेक के बाद मैंने क्या किया, सब छोड़ दिया, सिर्फ लता जी को मैं देख रहा था, वो जो गाड़ी थी सिर्फ देख रहा था उनको मैं, क्या उनके एक्सप्रेशन थे, हाय हाय वाह वाह, किस ढंग से गाए थे, डी डी नोट है डी, दीजिए नहीं, दा दा रा उम्मीद दारा दो के उम्मीदों के उम्मीदों के, ये वाह वाह वाह, बाप रे मेरे हाथ पैर कांप गए। ऑडिशन में तुमने कौन सा गाना गाया था मैम? पत्ता पत्ता बूटा बूटा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाँ वो सुन के तो हैरान हो गए थे एकदम, सच्ची में बोल रहा हूँ, अरे बोलो क्या गाया बच्चे ने, साइलेंट गाओगे? अरे जरूर सर, खैर साइलेंट साइलेंट कोई
चाहे तो क्यों गुना समझते हैं लोग कोई किसी के खातिर तड़पे ले लिया बेटा और भी ले जा भाई और भी ले जा ये लो वो भी दे रहे हैं ले जा बेटा और ले जा और लेके जा जाओ बस सारे सारे ले जा शूटिंग खत्म हो जाएगी तो वो पाइप भी दे देंगे तुमको अपने घर पे उड़ाते रहना अथर्व एंड पवन के लिए जोरदार तालियां हो जाए थैंक यू सो मच आपको बताता हूँ आप सबको एलपी की जोड़ी के बारे में तो पता ही है पर आपको ये पता है कि ये दोनों इतने इतने इनसेपरेबल दोस्त थे कि जिस फिल्म से ये द एलपी बने उस फिल्म का नाम था दोस्ती दोस्ती पर ड्यूएट भी सबसे ज्यादा एलपी ने ही बनाए फीमेल ड्यूएट में भी इनको डेब्यू करते ही पहचान दी वो है हंसता हुआ नूरानी चेहरा जिसके लिए आज आ रही है दुबई में रहकर भी जिसके दिल में बसती है भारतीय संस्कृति की धरोहर प्लीज वेलकम वैष्णवी पानीकर और उनके साथ आ रही है खुशी नागर बोथ अस फ्रॉम टीम सलमान लगी ने की हवा थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई तेरी मेरी दोस्ती तेरी मेरी दोस्ती क्या बात है क्या बात है नहीं मजा आ गया थैंक यू सर सर
आप तो एकदम झूम रहे थे। बिल्कुल, क्योंकि ये इसकी खास बात है जी सर, ये हम लोग श्री रामचंद्र जी अन्ना साहब हम बोलते हैं, उनके पीछे थी आज़ाद, उसके अंदर हम साथ बजाते थे, उनके साथ में काम करते थे, वहाँ बैठे तो उन्होंने गाना लगाया और बोले सब लोग सुनो ये फीमेल डुएट है, फर्स्ट टाइम हाँ रेडी अपलम चपलम गए चपलाई रे दुनिया के दे दिली आई रे आई आई रे ओ दुनिया को जो तेरी तेरी आई रे आई रे आई रे दन 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 चपलम चपलम हमने फर्स्ट टाइम हमने सुना था, ये गाना सुना था और तब से लक्ष्मी बोले था यार कुछ भी करना कुछ बनाना है कुछ, और भगवान ने आशीर्वाद दिया और डा 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 संगीत है तो सुन सुन के आदमी जाते आगे। आप देख रहे हो कितनी बड़ी बात है, लेजेंड हिमसेल्फ ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, उन्होंने वो भी इंस्पायर हुआ करते थे मतलब, और वो शेयर करें सर कितने महान कितने बड़े हैं सर, मतलब ये बहुत बड़ी बात हो गई, ऐसे नहीं दुनिया फैन है सर आपकी, हम सबको सीखना चाहिए। वाह, और एक बात है संगम 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 का गाना, दिल रुबा लिखूं ओ मैम सरीली, इस खत में मैं तुझको क्या लिखूं, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना होना, के तुम मेरी जिंदगी हो, के तुम जिंदगी हो के तुम मेरी बंदगी। ये है हमारे शंकर जयकिशन, और शंकर जयकिशन का ये गाना जयकिशन जी ने कंपोज किया हुआ है। क्या बात है, शंकर जयकिशन तो इनके गुरु थे ना दोनों के, एलपी के। हमने उनके उसके बाद में डेथ के बाद में काम नहीं किया 10-12 दिन, और उसके बाद एक दिन हमको आया बोलने के लिए क्या एक पीछे के लिए मुकेश जी आए थे बोलने के लिए, मुकेश जी तो हमने उनसे कहा कि नहीं हम तो नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है अगर आप नहीं करेंगे तो कल्याण जी आनंद जी या आर डी प्रवीण करेंगे। ओके, तो लक्ष्मीकांत जी ने कहा कि अगर वो लोग करेंगे तो हम करेंगे। वो पिक्चर थी बॉबी। फर्स्ट पिक्चर ऑफ एलपी मिशायर जी 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 मैनर जी मैनर सब लोग 1 2 हाँ जी हाँ जी 1 2 3 1 मैं शायर तो नहीं मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको आपने भूकंप मचा दिया।
वेलकम देवी और उनके साथ उन्हीं के कैप्टन तानिश। चुप गए सारे सारे कोई क्या बात हो गई, चुप गए सारे नजारे कोई क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गए। मिल गए नैनों से नैनों क्या बात हो गए, मिल गए नैना से नैना क्या बात हो गए। तुझको तो नहीं आना था, तू चली आई दुहाई ओए क्या बात हो गई, तू चली आई दुहाई ओए क्या बात हो गई। मैंने छोड़ा लाल जी, क्या कहना चाहेंगे इस अमेजिंग परफॉर्मेंस के बारे में? बहुत ही समझ के और जो वे था सिंगिंग का बहुत अच्छा, आपने जो साथ में ले लिया उसके परफेक्ट लगा था, डुएट डुएट लगा। थैंक यू सर, थैंक यू। नेहा, कौन से मोमेंट पर आपको लगा के स्टैंडिंग ओवेशन देनी चाहिए? पहला नोट ही जो देवनश्रिया ने लिया और पहला नोट ही जो हमारे दानिश ने लिया। ओ माई गॉड, वाओ, ये जो परफॉर्मेंस था ना, ये ऐसा लग रहा था कि ये रिकॉर्ड हुआ हुआ है पहले से और आप सिर्फ लिपसिंग कर रहे हो, पता है? इतना परफेक्ट आ रहा था, इतना परफेक्शन आया इस सिंगिंग में, इट वॉज ब्यूटिफुल। वाह बेबी, तुम हो देवी, सच्ची की देवी। मैम, एक्चुअली मैंने एक बात ना आज तक हमेशा नोटिस की है कि देवी जब भी गाए, जब भी मैंने हमेशा देखा है कि उसकी मम्मा हमेशा उनकी आंखें भरी हुई होती है जब देवी गाती है। मुझे लगता है देवनश्रिया पे हम आपको देवी बोलते हैं और माता रानी का, वाहेगुरु जी का, सभी देवी देवताओं का, और आज यहाँ पे इस सुपरस्टार सिंगर को पवित्र करने के लिए हमारे प्यारे लाल जी और मैम आए हैं, और पूरा देश जो देख रहा है वो सबका आशीर्वाद, सबकी दुआएं आप यहाँ पे अभी भी ले रही हो और जब तक इस शो में रहोगी और इसके बाद भी इतना आशीर्वाद रहेगा कि आपकी आवाज़ कभी भी नहीं जाएगी और बेहतर पे बेहतर होती जाएगी, ये मेरा विश्वास है। गॉड ब्लेस यू। एंड आई थिंक देवी की मम्मी, वी आर विथ यू हमेशा, क्योंकि ये जिस देवी ने इसको इतनी अच्छी आवाज़ दी है वही देवी इसकी आवाज़ को संभालेगी भी। हम सब देवी के साथ हैं, तो मैम कभी भी अकेला मत समझना। थैंक यू सो मच। आपने भूकंप मचा दिया। Thank you.
दानिश, थैंक यू। तो दोनों दिन के स्कोरिंग के बाद चार कैप्टन्स की टीम टाई पर है विथ 120 पॉइंट्स, यानी कि फुल हाउस चार कैप्टन्स को मिले हैं। और वो चार कैप्टन है, कैप्टन साइली, कैप्टन सलमान, कैप्टन अरुणिता और कैप्टन पवनदीप। और इसीलिए सुपर जज नेहा, ये आपको डिसाइड करना है कि इन चारों में से कौन बनेगा कैप्टन ऑफ द वीक। कैप्टन ऑफ द वीक है सलमान अली। आइए कैप्टन सलमान। फॉर मोर अपडेट्स Subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.